फ्रेंड्स, आपका शर्मा नितिन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लड्डू भगवान के क्रोशिया से कपड़े बनाना बताऊंगी। ये देखिए, अभी तक मैंने सिलाई के कपड़े बनाना बताए थे, सिलाई से बुन के। अब मैं क्रोशिया से बुन के बताऊंगी। ये सबसे पहले आप ये क्रोशिया से 20 चेन ले लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 चेन हो गई। अब 20 चेन के बाद अब हमें इसे फिर टर्न करना है, पीछे को लाना है। उससे ज़्यादा हम तीन अलग से लेंगे। 1, 2, 3 तीन चेन हमने ये इसलिए लिए है ताकि हम इसकी विड्थ के बराबर कर पाएँ, नहीं तो यहाँ से गोल हो जाएगा। अब 1, 2, 3 छोड़ के हमने चौथी वाले में, चौथी चेन में हमने ये डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ से हमें 20 चेनों में, पूरी 20 चेनों में इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ऐसे लिया, ये देखिए, ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया और चेन के बारे में मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप मेरे देख लीजिए। फिर डबल क्रोशिया, ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी 20 चेनों में क्रोशिया करनी है। ये देखिए, पूरी 20 चेनों तक हमें ये डबल क्रोशिया करनी है। सबके अपने भगवान का अलग अलग साइज होता है। आप लोग भी अगर आपके लड्डू भगवान ज़्यादा बड़े हैं तो दो क्रोशिया और बढ़ा दीजिए, दो चेन बढ़ा के दो क्रोशिया बढ़ा दीजिए। छोटे हैं तो दो कम कर लीजिए। इस तरह से देखिए, इसी तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये एक लाइन पूरी हो गई। इसे ऐसे करके देख लीजिए, ये हमारे लड्डू भगवान का यहाँ पर सिर होगा। इस हिसाब से आप गोल घुमा के देख लीजिए। अगर आपके लड्डू भगवान बड़े हैं तो बड़ा बना लीजिए, और तो दो चेन ज़्यादा ले लेना। मैंने 20 चेनें ली हैं, आप 22 ले लीजिए। और अगर छोटे हैं तो 18 ले लीजिए। बस एक ही दो चेन से फ़र्क पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं है। अब इसे टर्न करना है। ये पूरी लाइन हो गई, 1, 2, 3 तीन चेन लेने के बाद आप इसे टर्न कीजिए। अब ये पहला वाला में नहीं लेना है, दूसरे वाले में लीजिए, क्योंकि पहले वाले का तो ये हो ही गई, जो हमने चेन ली है ये पहले वाला हो गया। अब दूसरे वाले उसमें होल में ये देखिए डबल क्रोशिया करनी है। 1, पहले में सिंगल लेना है डबल क्रोशिया, फिर डबल वाला लेना है डबल क्रोशिया। ये देखिए, एक ही होल में से दो बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, अब सिंगल क्रोशिया, सिंगल छेद में से सिंगल बार डबल क्रोशिया कीजिए। ये हुआ। अब ये वाले में से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1, फिर इसी में से करना है, एक बार सिंगल एक बार डबल। ये देखिए, एक बार मैंने सिंगल की, फिर ये देखिए डबल हो गई, फिर ये सिंगल हो गई, फिर डबल क्रोशिया हो गई, फिर ये सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए, अब की बार डबल, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका घेर बढ़ाना है ताकि आस्तीनें बन जाए। ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, और ये देखिए डबल डबल क्रोशिया। इसी होल में से दोबारा से भी लेनी है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, पहला सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डबल डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन क्लियर करनी है।
अब ये दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई, एक में सिंगल क्रोशिया एक में डबल क्रोशिया ले लेके हमने इस लाइन को पूरा किया। अब आई तीसरी, तीसरी लाइन में फिर ये तीन चेन बना ली हमने, उसके बाद फिर पहले को छोड़ा और दूसरे वाले में ये देखिए पहले वाले होल को छोड़ के दूसरे वाले में लेना है। फिर इसमें भी ऐसे ही करना है, दो बनो, दो सिंगल सिंगल बार डबल क्रोशिया करके तीसरे वाले में एक और दो, दो बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए पहले हमने एक सिंगल किया था, एक के बाद डबल क्रोशिया लिया था, अब हमें दो सिंगल बनाने हैं उसके बाद एक डबल क्रोशिया लेना है। जैसे ये सिंगल बनाया हमने, सिंगल डबल क्रोशिया किया एक, और एक आगे वाले में ये सिंगल डबल क्रोशिया। अब ये तीसरा वाला जो आएगा इसमें दो बार हमें डबल क्रोशिया लेना है, एक बार और एक दो बार, हो गया ना दो बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही हमें फिर सिंगल, फिर हमें सिंगल डबल क्रोशिया और फिर दो बार हमें डबल क्रोशिया एक ही होल में से लेना है। ये देखिए एक और इसी में से दोबारा से, ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर ये दो बार हमने डबल क्रोशिया किया, फिर सिंगल और फिर सिंगल, फिर डबल डबल क्रोशिया हमने दो बार किया, फिर दो बार सिंगल किया, अब फिर ये डबल क्रोशिया। देखिए क्लियर दिख रहा है ना, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन करनी है। देखिए अब ये तीसरी लाइन भी हमने क्लियर कर, हमने तीसरी लाइन भी पूरी बना ली, हो गई। अब हमें टर्न करना है, इससे पहले हम तीन चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम फिर टर्न करेंगे। पहले वाले को छोड़ा दूसरे वाले में, ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया और फिर सिंगल डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर डबल क्रोशिया, दो बार हमें डबल क्रोशिया करना है एक ही में से, देख लिया। फिर ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया, ये देखिए और फिर डबल क्रोशिया, एक और एक दो, दो बार डबल क्रोशिया। अब हमें आस्तीन अलग करनी है, तो इसके लिए चाहे आप चेन ले लीजिए एक, चाहे ऐसे ही कर लीजिए। थोड़ा सा चेन इसलिए बना देते हैं ताकि पहनाने में, लड्डू भगवान को पहनाने में दिक्कत ना आए। आपकी मर्जी, अगर ना चाहें तो ना भी लें, ऐसे ही काम चल जाएगा। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ को छोड़ के नौवीं वाली में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक थोड़ा छोटा लग रहा है, और बढ़ा लीजिए इसे, दस में वाले में कर लीजिए। ये सिंगल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, सिंगल नहीं डबल, डबल क्रोशिया फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, देखिए हो गया एक आस्तीन का, ये हो गया। अब फिर दस चेन छोड़नी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये आया दस, दस में आप एक चेन बना लीजिए पहले यहाँ, उसके बाद ये दस में डालिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ये हुआ। फिर डबल क्रोशिया करनी है आपको यहाँ, ये देखिए दो बार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया दो बार, एक दो, दो बार डबल क्रोशिया फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए पूरी लाइन में डबल क्रोशिया करना है हमें, ये देखिए
चेन, इसमें चेन में से निकाला एक बार डबल क्रोशिया और इसी में से दोबारा से ही। ये देखिए पहला ये तीन चेन लेके टर्न किया, फिर दो क्रोशिया डबल क्रोशिया एक में से दो बार निकालना है, फिर दो बार करना है, फिर दो बार, फिर दो बार, फिर दो बार, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है क्योंकि इसमें 22 क्रोशिया थी ये डबल क्रोशिया, इसका डबल हो जाएगा 44 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस तरह से आप हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन इसमें एक और एक दो, दो बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ही पूरी लाइन बनानी है। इसके बाद चाहें आप दूसरा कलर लगा सकते हैं, बस ये लास्ट लाइन है, इससे चोली तैयार हो जाएगी। इसके बाद चाहें आप दूसरा कलर लगाएं या फिर दो लाइन और बना के, जैसे मैं तो दो लाइन और इसी कलर की बनाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी दूसरा कलर। ये देखिए हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया लेनी है। ये देखिए, देखिए अब ये कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है, तो ये तो हमें यहीं रोकना है क्योंकि ये आगे से खुला हुआ नहीं है, आगे से बंद बनाएंगे। अब आगे का नीचे का घेर बनाना है। घेर बनाने में अब हम साइड से शुरुआत करेंगे। ये देखिए अब हमने दूसरा कलर यहाँ से लगा लिया। पहले तीन बार चेन बनानी है। ये देखिए तीन चेन, इसके बाद फिर इसे छोड़ के नेक्स्ट वाले से, ये देखिए सिंगल क्रोशिया और फिर इसके बाद दो बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में से। ये देखिए दो, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, ये देखिए और फिर डबल क्रोशिया। क्योंकि घेर बनाना है तो इसलिए इसमें जितना घेर होगा उतना अच्छा लगेगा। अब ये मेरे सब पहले इस वाले में यहाँ 22 क्रोशिया थे, उसके बाद भी हमने ये चोली पूरी करने के बाद ये यहाँ पर ये वाले डबल कर दिए, तो ये 44 हो गए, 44 क्रोशिया हो गए। अब एक बार में डबल करना है, एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी, एक बार डबल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया, ताकि घेर बढ़ जाए थोड़ा सा। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन करनी है। ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर डबल, दो बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पूरी रो तैयार करनी है। देखिए फ्रेंड्स अब ये पूरा घेरा बनने वाला है। ये हर एक में हमने डबल क्रोशिया किया, दो बार डबल क्रोशिया, इससे घेर पूरा तैयार हो गया। अब फिर यहीं आ गए तो इसमें हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। कैसे, ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया लेके इसे यहीं पर बंद कर देना है, हो गया। फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन ली दो बार, एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर हमें ऐसे आगे बढ़ाना है। दो लाइनें बनाएंगे हम पिंक कलर की, एक चेन हमने इसमें से ली है लेकिन इसको छोड़ के आगे वाले में लगाया है। देखिए अब इसमें ये हमने हर एक में डबल क्रोशिया लिया है, एक एक में डबल क्रोशिया, एक में सिंगल क्रोशिया, एक में डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, एक में सिंगल बार डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने लिया है। अब की बार हम ऐसा करेंगे, दो बार सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए दो बार हो गया और अब तीसरी बार में ये देखो डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया लेना है। अगर आपको लग रहा है आपका घेर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये देखिए अगर आपको लगे आपका घेर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप तीन बार सिंगल क्रोशिया लेके फिर डबल क्रोशिया लीजिए। ये देखिए मैंने एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार भी सिंगल डबल क्रोशिया, फिर दो बार डबल क्रोशिया एक में से लिया, फिर ऐसे ही ताकि थोड़ा सा घेर बढ़ जाएगा। ये कपड़े तो घेर में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए सिंगल डबल क्रोशिया, फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, अब ये दो बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन भी पूरी करनी है। देखिए अब ये यहाँ तक पूरा हो गया, पूरा सर्कल घुमा दिया। अब ये लास्ट में अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अभी एक रह गया है, दो हो गए, एक डबल क्रोशिया
दो डबल क्रोशिया हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें ये सिंगल क्रोशिया लेनी है आपकी बात, और इसे इसे लगा देना है ऐसे, ये देखिए टक गया। अब इस अब हमें कलर चेंज करना है, अब दूसरा कलर फिर ये लगाया यहाँ से, पिंक कलर को हम यही छोड़ देंगे, ये देखिए अब चेन एक दो, दो चेन लेके फिर हमें इसमें नहीं करना है, देखिए ये चेन आ रही है इसलिए इसमें नहीं करके आगे वाले में, और सिंपल रखना है, ना कोई बढ़ाना है और ना कहीं घटाना है, पूरी एक लाइन हमें ऐसी ही बनानी है सिंगल डबल क्रोशिया बना के, ये देखिए कहीं हमें दो नहीं करने, जैसे हमने पहली वाली में किया था, पहले दो दो बार क्रोशिया एक में की है सिंगल डबल क्रोशिया, फिर ये सिंगल किया है, फिर सिंगल क्रोशिया की, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, इस टाइप से हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब हमें केवल एक ही करना है, सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है पूरे घेरे में, कहीं भी फंदा हमें एक भी बढ़ाना नहीं है, एक भी क्रोशिया हमें बढ़ाना नहीं है, ना ही घटाना है ना बढ़ाना है, यही पूरी करते करते ऐसे हम राउंड से घुमा के यहाँ तक लाएंगे।